प्रादेशिक खबरों की ओर। बाड़मेर जिले के पचपदरा में जहां रिफाइनरी लगाने की मांग को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने बाड़मेर कलेक्ट्रेट के सामने धरना देते हुए एक आम सभा का आयोजन किया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि वसुंधरा सरकार पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए काफी समय से ये रोड़ा अटकाकर बैठी है, लेकिन अब कांग्रेस ने ये कहा है कि रिफाइनरी हमारा हक है और हम इसे लेकर रहेंगे। रिफाइनरी को लेकर हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मौजूद हैं। सर, किस तरीके का रिफाइनरी आगे रहेगी और क्या? सर, जिस तरीके का सरकार का बर्ताव रहा 2 सालों में, उसके बाद आपको क्या लगता है? सर, देखिए, सरकार ने बहुत भारी गलती की है डिले करके। उसका नुकसान पूरी पब्लिक को होगा, आम जनता को होगा, क्योंकि रिफाइनरी का डिले करने अपने आप में बहुत बड़ा महापाप है मानता हूँ। जनता का जिस तरीके से जो था सभा, कितना लोगों में उत्साह था पूरे बाड़मेर जिले के अंदर। कुछ जिले के लोग आए, वो अपने आप में एक संदेश है सरकार को। सरकार को आगे आके अहम देखना चाहिए और घोषणा करनी चाहिए रिफाइनरी की। सर, एक सवाल ये कि ये थे अशोक गहलोत जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि रिफाइनरी को लेकर आने वाले दिनों में सड़कों पर होंगे। दिनेश कुमार, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, बाड़मेर।